वेलकम। हम जोरबाग उतरने के बाद में हुमायूं को हम जा रहे हैं और ये हुमायूं की याद में उनकी बेगम पर्शियन बेगम बेगा बेगम ने बनाया था। तो वहाँ जाने के बाद में बताते हैं कैसा हुमायूं टॉम है और थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ इस बार मैं, तो फालतू में ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप खुद पढ़ लेना। तो आज देखते हैं, जाके बताता हूँ। अंग्रेजों को हुमायूं टॉम के बारे में स्पेशलिटी क्या लगी मैं बताता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्कैन और भुगतान। बैकग्राउंड में ना मतलब जितनी ज्यादा लड़कियां हो ना उतना ज्यादा प्रीटी है। बट ना ये साउंड तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा पक्के, अगर वॉइस ओवर में प्रॉब्लम आ। मेरा कैमरामैन बहुत बड़ा मतलब खत्म आदमी है, हमें तो वापस में ही ले लेते हैं। कैमरामैन औरत है ऐसे नहीं करो। क्राउडेड है ये मतलब हुमायूं टॉम्स, आई डोंट नो व्हाई बट थोड़ा बहुत तो है। हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा, ये बेसिकली है ना मतलब बेगा बेगम जो उनकी पर्शियन वाइफ थी उन्होंने बनाया रही है। मतलब ये बाद में तो ये ब्रिटेन ने बनाया 1800 मतलब समथिंग कुछ ईयर के अंदर, तो ये उन्होंने बनाया रही है गार्डन वार्डन ये थोड़ा लुक वाइज। तो यूनेस्को ने इसको है ना मतलब वर्ल्ड हेरिटेज माना है, मतलब कि ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और यही चीज़ है लाइक ये हुमायूं का एंट्रेंस, हुमायूं का तो एंट्रेंस गेट नहीं हो सकता। हुमायूं को क्या दो जगह दफनाया गया था, एक तो शायद अमृतसर में या फिर मतलब पंजाब के किसी दो सिटी में दफनाया गया था, उसके बाद के अंदर फिर इसको यहाँ लाया गया। ये एंट्रेंस गेट है हुमायूं टॉम का, जिसको मकबरा भी बोलते हैं। और उसके बाद के अंदर अंदर जाने के बाद में मैं आपको बताता हूँ। इसको रिकंस्ट्रक्शन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हाँ रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। तो ये थोड़ा अच्छी जगह है। दस इंटरव्यू ले रहा हूँ हमारे बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन रोहित बड़ाला का। रोहित जी एक बार इधर तो देखिए, अरे इंटरव्यू से आप भागिए मत, आप बताइए मतलब हुमायूं टॉम की कुछ स्पेशलिटी बताइए, ये किसने बनवाया था? थोड़ा तेज लाउडर इधर साइड देख के,
सीढ़ियाँ चढ़ ले उन्हें चढ़, देखो सीढ़ियाँ बहुत ही इंक्लाइंड है, इस इंक्लाइंड है, देखिए थक जाएगा आदमी चढ़ते चढ़ते। तो हॉट हॉट लड़कियाँ तो है, ये टॉप व्यू दिखाता हूँ हुमायूं का मकबरा। मैं आज आपको थोड़ा हिस्ट्री भी बता देता हूँ, मजाक बहुत कर लिया हमने ब्लॉग में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हम बताते हैं ये दिल्ली शहर में स्थित है। जैसा कि आपको पता है इस मकबरे को हुमायूं तुर्किश या हुमायूं कब्री भी कहते हैं। ये पर्शियन आर्किटेक्ट निराक मिर्ज़ा गियास द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसको उनकी बेगम पर्शियन बेगम बेगा बेगम ने सेलेक्ट किया था। ये एक तरीके से बोला जाता है कि चार मीनार नहीं है, इसके सराउंडिंग ताजमहल से कम भी नहीं है। ताजमहल को वाइट पत्थर से बनाया गया था संगमरमर से, और ये लाल पत्थर से चुना गया था बनाया गया था। और 1993 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद के अंदर यहाँ काफ़ी फेमस हो गया था। और हम आपको बता दें कि यमुना तट पर बनाया गया है। यमुना तट पर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे निज़ामुद्दीन दरगाह यमुना तट के पास में है, इसलिए इसको यमुना तट पर बनाया गया है। इसी के पास में निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र भी बनी हुई है। और 20 जनवरी 1556 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद में इनका मतलब इसको बनाने का जिम्मा उनकी बेगा बेगम के हाथ में था, और बेगा बेगम ने उनकी याद में 9 साल बाद में इसको बहुत तगड़े तरीके से डिज़ाइन करवाया और इसको बनाया। हम आपको बता दें कि यहाँ पे 150 कब्र भी है, रखी गई है, जो अलग 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 जगह से लाई गई है इनके शासक मुग़ल शासकों की यहाँ पे कब्र रखी गई है। और अगर आप देखेंगे तो जब 1956 में इनकी मृत्यु हो गई, तो 9 साल बाद में 1565 में हुमायूं की मृत्यु के बाद में इसका कार्य शुरू हुआ था। और इसके निर्माण में लगभग उस टाइम पे 1.5 मिलियन अप्रोक्स 1.5 करोड़ रुपए लगे थे। और 1.5 करोड़ रुपए उस टाइम का मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, तो ये लगा था। ये 13 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और 18वीं शताब्दी में इनके इस हुमायूं टॉम के सराउंडिंग बगीचों का निर्माण कराया, वो किसने उन्होंने कराया था, अंग्रेज़ों ने करवाया था, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने उसका निर्माण करवाया। वो काफ़ी आकर्षक लगते हैं, अगर अभी आप जाएंगे तो काफ़ी आकर्षक लगेंगे। इसको ऐसा बना रखा है कि बहुत ही सुंदर जगह है ये इंडिया के अंदर, एक तरीके से देखने में ही बहुत शानदार लगता है। तो ये चीज़ है इस हुमायूं टॉम के बारे में, आप आइए इसको देखिए, यहाँ पर घूमिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ताजमहल से कम भी नहीं है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।